गुड मॉर्निंग एस एस टी चैप्टर चैप्टर फोर सॉइल रिसोर्सेस वी ऑलरेडी एक्सप्लेन टाइप ऑफ सॉइल्स एंड टाइप ऑफ सॉइल्स में कि मैंने हम लोगों ने एक्सप्लेन मतलब हम लोगों ने आगे पढ़ लिया था रेड सॉयल and red uh, black soil red soil black soil that means uh, it is uh, black in color and it's very fertile and mostly it's found in Mah maharashtra madhya pradesh gujarat and it is suitable for the cultivation of cotton sugarcane beet oil seeds millets and Tobacco. Red soil. This is red in color and it is not very fertile and it is found in Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and Jharkhand and it is best for agriculture crop uh, like uh, potato, groundnut, millets, uh, ragi, uh, tobacco, beets and maize. And next is arable soil. Herbal soils this type of soil is uh, uh, fertile and it's mostly found in uttar pradesh bihar punjab uh, haryana and parts of gujarat and it is suitable for cultivation of crops is rice maize sugarcane beet tobacco pulses groundnuts and some vegetables and next is uh, we explain uh, laterite soil laterite soil this type of soil is not fertile and it is red in color due to the presence of aluminum एंड आयरन ये क्या होता है ये फर्टाइल बहुत नहीं होता है लेकिन ये कलर uh, दिख रहा है ना रेड कलर का होता है क्योंकि आयरन इसमें प्रेजेंट रहता है मतलब पे, uh, बहुत ज्यादा रेन होता है उसमें इस तरह के सॉइल होता है ब्रिक्स मेडअप ऑफ ड्राइड्स एट ब्रिक्ड इलेक्ट्राइड्स आर यूज एज बिल्डिंग मटीरियल जो ब्रिक्स देखा होगा तुम लोगों ने ईंटें वो इसी सॉयल का बना हुआ रहता है हम्म फिर आ, आ, दिस टाइप ऑफ सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटक ये सॉइल्स जो है वो मेनली जो है वो कहाँ पे पाया जाता है कर्नाटक में और केरला महाराष्ट्र उड़ीसा वेस्ट बंगाल इन सब जगह में ये जनरली पाया जाता है और आ, इसके लिए क्रॉप्स मतलब इनके लिए सुटेबल क्रॉप कौन कौन से होते हैं जो किस क्रॉप के लिए सुटेबल होते हैं जैसे कॉफ़ी है कैस्यूनेट है कोकोनट है कैन बी कल्टिवेटेड इट लिटराइट सॉइल विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स फिर नेक्स्ट a desert soil this type of soil has a लाइट ब्राउन कलर इस ये सॉइल जैसे इसको देखो लुक एट दिस लाइट ब्राउन कलर दिख रहा है तो इस डिजर्ट स्वायल, डिजर्ट सॉयल क्या होता है लाइट ब्राउन कलर का होता है इट इज़ मेनली फाउंड इन डिजर्ट एरिया लाइक राजस्थान एंड गुजरात राजस्थान और गुजरात में ये मेनली पाया जाता है डिजर्ट सॉइल विच रिसीव वेरी लो रेनफॉल इसमें क्योंकि डिजर्ट एरिया में तो रेन नहीं होता है रेनफॉल होता ही नहीं तो इसलिए बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है डिजर्ट सॉइल जनरली नॉट फर्टाइल ये सॉइल जो होता है वो फर्टाइल नहीं होता है दे आर सुटेबल फॉर

ठीक एंड इट इज़ फाउंड इन हिली एरियाज लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश जो हिली एरियाज होते हैं उनमें इस टाइप का जो माउंटेन माउंटेन्स है ये पाया जाता है जैसे जम्मू कश्मीर को ले लो या हिमाचल प्रदेश को इट इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग ट्रॉपिकल फ्रूट्स सेफरान एंड टी क्योंकि इन सब जगहों में ही सैफ्रॉन अधिक होता है तो ये सब के लिए इनके लिए फ्रूट्स है जैसे सैफरॉन है टी है इनके लिए ये सुटेबल है मतलब ये जो माउंटेन सॉइल है इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन हिली रीजनस ऑफ कर्नाटका एंड केरला वेयर टी कॉफ़ी एंड स्पाइसिस आर कल्टिवेटर कल्टिवेटेड मतलब कर्नाटक एंड केरला में भी इस तरह के माउंटेन मतलब इस तरह के सॉयल पाया जाता है जहाँ पर टी है कॉफी एंड स्पाइस स्पाइसिस मीस मसाले जहाँ पे कल्टिवेट होते हैं अच्छा अब लुक एट दिस टू फॉल्स में क्या है एरोवियल सॉयल इज़ वेरी फर्टाइल अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था तो इसको आप लोग यू फिल दिस ट्रू एंड फॉल्स